अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आईटी विद सोनिया राजपूत। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके साथ यूएसबी ड्राइव किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास एक मेमोरी कार्ड है तो उसको कार्ड रीडर में लगा के आप इसे अपने एंड्रॉयड टीवी से किस तरह से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी से रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कर रखा है, जिनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इस वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसको क्लिक करके इस टॉपिक से रिलेटेड आप मेरी ऑल वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कार्ड रीडर को यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने 2GB का मेमरी कार्ड लगाया हुआ है। ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह से अगर मैं इसमें पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव लगाती। तो चलिए अब हम इसको इस टीवी के बैक पैनल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम जाएंगे टीवी की बैक साइड पे। तो ये देखिए, ये है टीवी का बैक पैनल। यहाँ पे हमें दो पोर्ट्स मिल रही हैं जिनमें से हम किसी भी पोर्ट में अपना जो कार्ड रीडर है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऊपर वाली पोर्ट में अपने कार्ड रीडर को कनेक्ट करती हूँ। यहाँ आप टीवी के बैक पैनल पे देख सकते हैं कि यूएसबी अटैच हो चुकी है और इसकी लाइट भी ब्लिंक कर रही है। दैट्स मीन कि ये प्रॉपर्ली हमारे टीवी से कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यूएसबी डिवाइस को इससे प्लग इन किया है तो इसके ऊपर एक मैसेज आ गया है। अगर बाय चांस आप इस मैसेज को इग्नोर भी कर देते हैं, यानी फौरन ओपन का बटन नहीं भी क्लिक करते हैं, तो भी हम इस तक पहुँच सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आपने अपने रिमोट से लेफ़्ट नेविगेशन की को प्रेस करते हुए इस साइड पे आ जाना है। यहाँ पे आपको 4 आइकन्स शो होंगे और उसके बाद डाउन नेविगेशन को यूज़ करते हुए मीडिया पे आने के बाद यहाँ से एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लोकल डिस्क और नीचे यूएसबी डिस्क शो हो रहा है। लोकल डिस्क टीवी की अपनी मेमोरी है जबकि हमने जाना है यूएसबी डिस्क में। यूएसबी डिस्क में जाने के बाद आप इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको इसके ऑल फोल्डर्स शो हो जाते हैं। अगर आप वीडियोस में जाएंगे तो ओनली वीडियोस, ऑडियो में जाएंगे तो ओनली ऑडियोस, और अगर इमेज में जाके क्लिक करते हैं तो सिर्फ आपको इमेजेस शो होंगी। तो बाय द टाइम मैं यहाँ से सिर्फ ऑल में जाने के बाद एंटर का बटन प्रेस करती हूँ तो ये सारी ऑल की फाइल्स यहाँ पर शो हो रही हैं। अब जिस भी फाइल में मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, उसमें जाने के बाद मैं जस्ट एंटर का बटन प्रेस करूँगी तो वो फाइल फोल्डर मेरे सामने ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से राइट नेविगेशन को प्रेस करते हुए यासीन पे आके क्लिक करती हूँ। MP3 लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि मेरी ऑडियो फाइल ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से एग्ज़िट होती हूँ और अगेन एग्ज़िट। उसके बाद ऑल फोल्डर्स में आने के बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट रॉबिन स्पैरो इसको क्लिक करती हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे वीडियो प्ले होने लग गई है। और अगर अगेन मैं यहाँ से एग्ज़िट होती हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे इमेजेस हैं अगर मैं उनमें जाना चाहती हूँ, मुझे पता है ये पड़े हुए, अदरवाइज इमेजेस का फोल्डर आपको जो भी आपने क्रिएट किया हुआ होगा आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए और क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए उस पर। एंड नेविगेशन करते हुए राइट नेविगेशन की प्रेस करते हैं तो जो भी आपके फोल्डर में इमेजेस हैं वो यहाँ पे एक्सप्लोर होने लग जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से एग्ज़िट होती हूँ, अगेन एग्ज़िट एंड दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप इसी यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव को यूज़ करते हुए अपने टीवी की मेमोरी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, और उसका लिंक भी डेफिनेटली आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।